आगामी त्योहारों को लेकर बाजार में रौनक लौटी। खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग। कोरोना के कारण 2 वर्ष से बाजार की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी और व्यापारियों को एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। आने वाले त्योहारों ईद और अक्षय तृतीया में व्यापारियों को बहुत सी उम्मीदें हैं कि इस बार बाजार में लोग खरीदी करने के लिए पहुँचेंगे। कपड़ा व्यापारी चंचल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर तैयारियाँ कर रखी हैं और सूरत गुजरात से साड़ियाँ और डिजाइनर कपड़ों का भारी स्टॉक है, पर तेज धूप के कारण लोग दिन में आते नहीं, शाम को ही ग्राहक आते हैं। वहीं रेडीमेड जेंट्स कपड़ों के व्यापारी ऋषि बताते हैं कि 2 वर्ष से बंद पड़े व्यापार के बाद इन त्योहारों में हमें अच्छा व्यापार चलने की आशा थी, पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा 30% रेट की कपड़ा बाजार में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से रेडीमेड कपड़े खरीदने के लिए कम ही ग्राहक पहुँच रहे हैं। आगामी त्यौहार अक्षय तृतीया और ईद को लेके हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां करके रखी हुई हैं और काफ़ी माल भी दुकान में भर के रखा हुआ है और बस अब ईश्वर से प्रार्थना है कि बाजार अच्छा रहे। पिछले 2 साल बड़े मंदी में गुजारे हैं, इस बार बाजार से काफ़ी उम्मीद है। दोपहर को भी काफ़ी धूप हो रही है, सब देख रहे हैं 45 डिग्री के ऊपर तापमान रह रहा है, तो दोपहर के टाइम पर सीजन थोड़ा हल्का रहता है, मगर उम्मीद है कि जल्द से जल्द हर से सूरत से अभी पूरे माल भर के रखा हुआ है दुकान में। बनारसी साड़ियाँ भी, हर वैरायटी की साड़ियाँ दुकान पे भर भर के रखी हुई हैं। ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छी की हुई है, मगर तैयारियों के हिसाब से ग्राहक ही कम है और ईद भी है और जो शादी वगैरह भी चल रही हैं उसके हिसाब से तैयारी अच्छी है, मगर उतनी ग्राहकी उतने नहीं, महंगाई को देखते हुए अब कपड़े पहले के पीछे कम से कम 30% पैसे बढ़ चुके हैं। अच्छा। हर कपड़े में इसी कारण से मार्केट में असर है, इससे मार्केट में बहुत असर है।